हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले टॉप 5 ओल्डेस्ट थिंग। एंड गाइस, टॉप 5 ओल्डेस्ट थिंग मेरी सीरीज है, इसका पार्ट 6 है। एंड गाइस, पार्ट 6 होने की खुशी में मैं आज आपको 5 ओल्डेस्ट थिंग की जगह 6 ओल्डेस्ट थिंग बताऊंगा। वैसे मैं नॉर्मली 5 ओल्डेस्ट थिंग बताता हूं, लेकिन आज की वीडियो में 6 ओल्डेस्ट थिंग बताने वाला हूं। सो आप लोग आज की वीडियो देख के थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। एंड आज की वीडियो में जो भी 6 ओल्डेस्ट थिंग बताने वाला हूं, वो सिर्फ ओल्ड प्लेयर्स को बताऊंगी एंड न्यू प्लेयर्स को शायद ही ओल्डेस्ट थिंग बताऊंगी। एंड आप लोगों को देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा कि ये थिंग हमारे गेम में पहले एग्जिस्ट करती थी बट अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड गाइस, जो चैनल पे नया है वो तो प्लीज हम सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलती रहेंगी। एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना जिन्होंने नहीं किया है। एंड फटाफट से जाके इस वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट से अभी अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं 6 नंबर की ओल्डेस्ट थिंग की तरफ। सो गाइस, हमारे 6 नंबर की ओल्डेस्ट थिंग आती है जोसेफ कैरेक्टर को लेके। सो गाइस, करंटली आप लोग अगर जोसेफ कैरेक्टर के अवतार को देखेंगे तो आप लोगों को इस टाइप का कुछ जोसेफ कैरेक्टर का अवतार देखने को मिलेगा। बट जब हमारा पहले का फ्री फायर था एंड उसमें जब जोसेफ कैरेक्टर न्यू लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे जोसेफ कैरेक्टर का जो अवतार था वो एकदम डिफरेंट था एंड अलग हुआ करता था। एंड जोसेफ कैरेक्टर के आने के बहुत 2-3 महीने तक ये अवतार चला था, लेकिन कुछ अपडेट के बाद इसको चेंज कर दिया गया। अब क्यों चेंज किया गया वो तो मुझे नहीं पता एंड इसका कोई रीजन भी नहीं है चेंज क्यों किया गया, लेकिन अभी हमको करंटली जोसेफ कैरेक्टर का जो अवतार है वो हमको एकदम डिफरेंट देखने को मिलता है। एंड गाइस, अपना ऑनेस्ट व्यू दूं तो गाइस, जो जोसेफ का पहले वाला जो अवतार हुआ करता था वो मुझे अभी वाले अवतार से ज्यादा अच्छा लगता है। जो पहले का अवतार था वो ज्यादा बेटर था अभी वाले से। तो गाइस, आप लोगों को दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है, अभी वाला या फिर पहले वाला, वो मुझे कमेंट से कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। एंड आप लोगों को ये फैक्ट पता था या मतलब ये ओल्डेस्ट थिंग पता थी वो मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। सो गाइस, बढ़ते हैं 5th नंबर की ओल्डेस्ट थिंग की तरफ। सो गाइस, 5th नंबर की ओल्डेस्ट थिंग आती है बाइक को लेके। आप लोगों को पता हमारे गेम में एक मोटर बाइक करके एक व्हीकल है। सो गाइस, उसमें हम लोग अभी करंटली 2 बंदे बैठ सकते हैं। लेकिन जो पहले का फ्री फायर था उसमें हम वहां पर हमको 2 बंदे बैठने का ऑप्शन नहीं आता था, हम वहां पर सिर्फ सिंगल ही बैठ सकते थे। पहले का जो बाइक थी उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता था। वो जो बनावट थी उस बाइक की वो भले 2 बंदों के लिए करी गई थी, लेकिन पहले हम उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता था। बट गाइस, फिर ऑडियंस एंड जो प्लेयर्स थे उन्होंने डिमांड करी कि हमारा जो बाइक है उसमें 2 बंदे बैठने चाहिए। सो गाइस, कुछ अपडेट के बाद गरेना ने इस चीज में बाइक में थोड़ा चेंजेस करे एंड इसमें फिर हम 2 बंदे बैठ सकते हैं। एंड करंटली हम बाइक में 2 बंदे बिठा सकते हैं, एक हम एंड एक और बंदे को हम बिठा सकते हैं। एंड गाइस, ये बहुत पहले का अपडेट था। जो बंदे 1 साल पहले से गेम खेल रहे उनको पता हो हमारी बाइक में सिर्फ एक ही बंदा पहले बैठ सकता था। सो गाइस, आप लोगों ने ये सिंगल पर्सन वाली बाइक कभी चलाई है या नहीं मुझे कमेंट से कमेंट करके जल्द से जल्द बताना। एंड आप लोगों को ये फैक्ट पता था या नहीं वो मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं 4th नंबर की ओल्डेस्ट थिंग की तरफ। सो गाइस, 4th नंबर की ओल्डेस्ट थिंग आती है, वो आती है क्रॉसबो को लेके। सो गाइस, क्रॉसबो में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हमारे पास में। सो गाइस, सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था क्रॉसबो को लेके। सो गाइस, वो था उसकी वेपन स्लॉट को लेके। सो गाइस, अभी करंटली जो हमारी क्रॉसबो है वो लगती है सेकेंडरी वेपन में, जहां पर हमको पिस्टल लगती है, हमारी यूएसपी एंड जेडी लगती है, वो करंटली हमारी वहीं पर ही क्रॉसबो लगती है। लेकिन जो पहले का फ्री फायर था उसमें गाइस जो हमारी क्रॉसबो थी वो हमारी जो मेन वेपन स्लॉट था वहीं पर लगता था। हमको जो बड़ी बड़ी वेपन होती है जैसे AK-47 या फिर M-187 ऐसी जो गन्स होती है, जहां पर हमको हमारी जो मेन गन्स होती है वहां पर हमारी क्रॉसबो लगती थी। लेकिन कुछ अपडेट के बाद जो हमारी क्रॉसबो थी उसको यहाँ पर जो हमारा पिस्टल स्लॉट होता है, हमारा सेकेंडरी स्लॉट होता है, वहां पर उसको चेंज कर दिया गया। एंड जो सेकंड बड़ा अपडेट आया था वो पहले जो फ्री फायर था उसमें जो हमारा जो क्रॉसबो था वो जो नॉर्मली बस एम करो एंड बंदा मार दो बस इतना ही था। लेकिन करंटली जो हमारा फ्री फायर है उसमें जब भी हम क्रॉसबो से फायर करते हैं सो उसमें से एक एक्सप्लोजन निकलती है, आग निकलती है एंड बंदे को डैमेज पड़ता रहता है। एंड जो पहले का क्रॉसबो था उसका जो तीर था, उसका जो तीर आता था वो नॉर्मल गिरता था, लेकिन करंटली जो हमारा क्रॉसबो है उसका तीर जहां पर जाकर गिरता है वहां पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बहुत बार थोड़ा धमाका होता है जिससे कि थोड़ा सा डैमेज पड़ जाता है बंदों को। एंड करंटली जो क्रॉसबो है वो ज्यादातर यूज आती है ग्लोवल के पीछे के बंदों को डैमेज देने के लिए एंड ज्यादातर बंदे ग्लोवल के पीछे के बंदों को डैमेज देने के लिए क्रॉसबो का यूज करते हैं। एंड गाइस, आप लोगों को एक फन फैक्ट भी बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे क्रॉसबो है वो हमारे फ्री फायर की सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज की गन है, सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज है वो क्रॉसबो की ही है। सो आप लोगों को ये दोनों फैक्ट पता थे मुझे कमेंट से कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। सो हम बढ़ते हैं 3rd नंबर की ओल्डेस्ट थिंग की तरफ। सो गाइस, जो हमारी 3rd नंबर की ओल्डेस्ट थिंग आती है वो आती है क्लैश स्क्वाड को लेकर फिर से। सो गाइस, क्लैश स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे फ्री फायर में। सो गाइस, जो हमारी ओल्डेस्ट थिंग आती है 3rd नंबर की उसमें ऐसी ओल्डेस्ट थिंग है, ठीक है, हमारा जो फ्री फायर का क्लैश स्क्वाड मैच था, तो क्लैश स्क्वाड मोड था, उसमें पहले ट्रीटमेंट गन हम लोग बाय कर सकते थे। जी हाँ, जो पहले का क्लैश स्क्वाड था उसमें हमको ट्रीटमेंट गन का ऑप्शन देखने को मिलता था एंड ट्रीटमेंट गन देखने को मिलती थी एंड हम चाहे तो उसमें जो ट्रीटमेंट गन है वो बाय कर सकते थे एंड ट्रीटमेंट गन यूज कर सकते थे। एंड जो ट्रीटमेंट गन का एकदम सही होता था अगर हम लोग ट्रीटमेंट गन बाय कर लिए एंड हम चाहे तो गाइस कुछ भी कर सकते, हमारे पास अगर मेडिकल्स खत्म हो गई है तो गाइस हम अपने टीममेट को हील कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते थे। लेकिन गाइस गरना चाहिए चाहती थी कि जो हमारे प्लेयर्स जो क्लैश स्क्वाड खेलते हैं उनका एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हेल्थ हो एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेडिकेट्स हो, उसे तो हमारे पास नहीं होना चाहिए। सो गाइस, इसलिए हमारे फ्री फायर में हमको सिर्फ 2 ही मेडिकेट देखने को मिलती है, उससे ज्यादा हम लोग मेडिकेट नहीं ले सकते एंड एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमको सिर्फ 200 हेल्थ देखने को मिलती है एंड उसके साथ थोड़े से मशरूम देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, मेडिकेट मशरूम एंड कैरेक्टर स्किल के अलावा हम किसी भी चीज से यहाँ पर हमारी हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकते। एंड गाइस, अगर हम ट्रीटमेंट गन अभी भी हमारे गेम में होती है तो गाइस ये बहुत ज्यादा एकदम डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता था क्लैश स्क्वाड में। सो गाइस, इस
चीज की वजह से गरना ने ट्रीटमेंट गन को हमारे क्लैश कोड मोड से रिमूव कर दिया। एंड गाइस जब क्लैश कोड आया था तो उसके सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर एक ट्रीटमेंट गन हमारे क्लैश कोड में अवेलेबल थी, लेकिन एक महीने के बाद इसको रिमूव कर दिया गया। सो गाइस स्टार्टिंग में जिन बंदों ने क्लैश कोड खेला है सिर्फ उन्हीं बंदों को पता होगा क्लैश कोड में ट्रीटमेंट गन थी, एंड बाकी बंदों को क्लैश कोड में ट्रीटमेंट गन थी या नहीं थी वो नहीं पता होगा। सो गाइस आप लोगों को ये फैक्ट पता था या नहीं था, ये ओल्डेस्ट थिंग पता थी या नहीं थी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द बताओ। सो गाइस हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओल्डेस्ट थिंग की तरफ। सो गाइस जो हमारे सेकंड नंबर की ओल्डेस्ट थिंग आती है वो आती है स्नो मैप को लेकर। सो गाइस हमारे फ्री फायर में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि हमारे मैप को कभी चेंज किया गया हो। पॉर्गेट्री कलारी बरमुडा आज तक कभी चेंज नहीं हुआ, कभी उसका टेक्सचर चेंज नहीं हुआ, कभी उसकी ग्राफिक्स चेंज नहीं हुई, एंड कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमारे फ्री फायर में बस एक ही टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे जो फ्री फायर की ग्राफिक्स है एंड फ्री फायर का जो मैप है वो चेंज किया गया। 2018 के फ्री फायर के विंटर टाइम में हमारा जो मैप है बरमुडा को चेंज किया गया था, एंड उसमें गाइस स्नो डाल दी गई थी। 2018 में जब विंटर आया था सो उस टाइम पे हमारे बरमुडा मैप में बहुत सारा स्नो डाल दी गई थी एंड एकदम व्हाइट कर दिया गया था मैप को। एंड जो विंटर था एंड जो स्नो थी वो हमारे फ्री फायर की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार हुई थी एंड एक ही बार होने वाली थी आज के बाद। मुझे लगता कि कभी मैप ऐसे चेंज होने वाले सीजन के हिसाब से, लेकिन हमारे फ्री फायर में आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि हमारे फ्री फायर को किसी इवेंट के थ्रू मैप चेंज किया गया। लॉबी तो चेंज कर देते हैं लेकिन मैप कभी चेंज नहीं होता है। सो हमारे फ्री फायर में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा मैप है उसको चेंज किया गया। सो गाइस एक ही टाइम होता जो स्नो मैप के टाइम पे। सो गाइस आप लोगों ने वो स्नो मैप को कभी खेला है या नहीं मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताओ, कि क्या 2018 के विंटर टाइम का है तो गाइस बहुत ज्यादा ओल्ड टाइम का है। एंड गाइस ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल हो चुके हैं बात को। सो गाइस अगर आप लोग 2 या 2.5 साल पहले से फ्री फायर खेल रहे हो सो ही आप लोगों को जो स्नो मैप के बारे में पता होगा। सो गाइस आप लोगों को स्नो मैप के बारे में पता है या नहीं मुझे कमेंट करके बताओ, एंड आप लोगों ने आप लोगों को मैप पसंद है या नहीं वो मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताओ। सो हम बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की ओल्डेस्ट थिंग की तरफ। सो हमारे फ्री फायर में बग्स ग्लिचेस ये सब आते रहते हैं, एंड हमारे फ्री फायर में काफी सारी ट्रिक्स भी आती रहती है। एंड गाइस वही ट्रिक्स मैं कवर करता रहता हूं अपने ओल्डेस्ट थिंग में। एंड गाइस करंटली कोई बग्स चल रहा है, कोई ट्रिक चल रही है या फिर कोई चेंजेस हो रहा है करंटली उसको मैं फ्यूचर में अपने ओल्डेस्ट थिंग के पार्ट 500 में कवर करूंगा। मतलब जो करंटली जो फ्री फायर में ग्लीचेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बग्स आ रहे हैं उसको मैं फ्यूचर में अपने पार्ट 500 में कवर करने वाला हूं। इस वीडियो के ओल्डेस्ट थिंग नंबर 1 में मैं ऐसी एक ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि सिर्फ ओल्डेस्ट प्लेयर को पता होगा, एंड जो बंदे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल पहले से खेल रहे हैं सिर्फ उनको ही इस ट्रिक के बारे में पता होगा। सो गाइस पहले का जो फ्री फायर था उसमें एक ग्लिच आ गया था गलती से। सो गाइस उसमें होता ऐसा था कि हम अगर पैंथर वाला एलीट पास पहनते, जो हमारा पैंथर वाला एलीट पास है जो कि बहुत कम बंदों के पास है एंड बहुत ज्यादा रेयर एलीट पास है। सो गाइस जब भी हम उस पैंथर वाले एलीट पास को पहनते थे एंड उसको पहन के कोई भी व्हीकल को ड्राइव करते थे एंड मेनली अगर कार को ड्राइव करते थे तो हमारी जो कार है वो हवा में उड़ने लग जाती थी, एंड ये बहुत बड़ा ग्लिच था उस टाइम का एंड बंदों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। एंड जो बंदे थे वो ज्यादातर मेनली इसको यूज करते थे फैक्ट्री रूट पे जाने के लिए, एंड फैक्ट्री के पास उस गाड़ी को खड़ा करते थे एंड ब्लैक पैंथर पहन के आते थे, एंड जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो हमारी जो गाड़ी है वो हवा में उड़ने लग जाती थी एंड जो बंदे है वो उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करके फैक्ट्री पे इजीली चले जाते थे। सो गाइस उस टाइम पे ग्लिच बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था एंड बंदों ने बहुत ज्यादा यूज करा। एंड जैसे गरेना को पता चला कि ऐसा कुछ ग्लिच आया हमारे गेम में, सो गाइस गरेना ने कुछ अपडेट के बाद उस ग्लिच को फिक्स कर दिया एंड फिर बंदे हवा में नहीं उड़ पाए थे, भले वो कोई भी ड्रेस पहन ले सो वो हवा में नहीं उड़ पाते थे। सो ये ट्रिक बहुत ज्यादा ओल्ड प्लेयर को पता होंगे एंड 1 या 1.5 साल पुराने जो प्लेयर्स है सिर्फ उनको ही ये ट्रिक पता होगा। आप लोगों को ये ट्रिक के बारे में पता है या नहीं मुझे कमेंट से कमेंट करके जरूर से बताओ, एंड फर्स्ट फैक्ट या फिर आपको पता था या नहीं मुझे वो कमेंट से कमेंट करके जरूर से बताओ। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चाहे नहीं आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर उसे क्लिक कर देना। सो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। Mainstream flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.